नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभाकर विक्रम। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हम और आप फाइनेंशियल न्यूज़ और स्टॉक मार्केट रिलेटेड टर्म्स पे बात करते हैं और कोशिश करते हैं अपनी हर नई वीडियो के साथ आपको कुछ नई जानकारी दे सकें, कुछ नई एजुकेशनल चीज़ें सिखा सकें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। अगर आप लोगों को पर्सनल लोन की ज़रूरत है जिसके थ्रू आप अपने एक्सपेंस और बिल पे कर सकें, तो उसको लेके हमने एक एप्लीकेशन के बारे में वीडियो बनाया है, रिव्यू किया है जस्ट मनी को लेके, तो उसका वीडियो आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। पूरा ही डिजिटल प्रोसेस है, उसमें कोई भी आपको ऑफलाइन KYC नहीं रिक्वायरमेंट रहेगी, सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो जाएगा और 5 मिनट के अंदर आपको पर्सनल लोन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो, आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे छूटे ना। तो चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। ITC शेयर के बारे में हम बात करने वाले हैं। लगातार ITC शेयर के बारे में अगर मैं बात करूँ, प्राइस हमें नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं बात करूँ ITC शेयर के बारे में, थोड़ा सा हम यहाँ पर समझेंगे कैसा इसका परफॉर्मेंस रहा था, अगर पिछले कुछ सालों की बात करें या स्टार्टिंग से बात करें, और क्या दिक्कत आ रही है अभी इस शेयर में, और आगे आने वाले टाइम में कैसा ये परफॉर्म करेगा। अगर आप में से किसी ने भी ITC शेयर में पैसा लगाया तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और समझिएगा कि कैसे आप अपने पैसे को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, कैसे आप भारी नुकसान से बच सकते हैं। देखिए अभी क्या हो रहा है, कई सारे लगातार ITC शेयर देखने को मिल रहा है, नीचे गिरता हुआ जा रहा है, लगातार डे बाय डे नीचे गिर रहा है। 2020 की अगर मैं बात करूँ, दोबारा से देखने को मिल रहा है। पहली बार हमें ये चीज़ देखने को मिला था जब हम बात करें कोरोना के टाइम पे, उस वक्त लगभग सभी शेयर नीचे जा रहे थे, क्योंकि इम्पैक्ट आपको ही पता है कोरोना मार्च के टाइम पे बहुत ज़्यादा, उस वक्त हैवी नहीं था, केसेस इतने ज़्यादा नहीं थे, केसेस अब बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन हाँ डर बहुत ज़्यादा था लोगों के बीच में। लॉकडाउन था, क्योंकि FMCG सेक्टर भी है इनका, बात करूँ सिगरेट सेक्टर भी है यहाँ पर, तो बहुत सारी दुकानें बंद होने की वजह से बिजनेस, लगभग हर शेयर के प्राइस डाउन हो रहे थे उस वक्त। बट इसने फिर रिकवर किया, फिर वापस गिर रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लोगों के अंदर डर बन रहा है थोड़ा बहुत, यहाँ पर लोग यहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं बहुत लोग, क्योंकि उन्होंने जिन्होंने बहुत टाइम से इसमें होल्डिंग करी थी, उन्हें लग रहा है सेफ साइड लेके हमें निकल जाना चाहिए। बट यहाँ पर समझिए, पहले मेन चीज़ क्या है, हमें फंडामेंटल समझने की ज़रूरत है। अगर मैं बात करता हूँ ITC शेयर के बारे में, तो जब से अगर हम बात करें 2000 से जब से ये चलती हुई आ रही है, सबसे मेन जो इसका यहाँ पर अगर हम बात करें बिजनेस चलता था, वो है सिगरेट का। यानी कि आपको पता है धूम्रपान जो आप देखते हैं TV पे नहीं करना चाहिए, हालांकि आपके हेल्थ के लिए नहीं अच्छी होती है। तो अगर मैं बात करूँ सिगरेट की इंडस्ट्री की, तो लगभग 80% रेवेन्यू जो ITC कंपनी का आता है, वो सिगरेट कंपनी की तरफ से ही आता है, सिगरेट से। इसके अलावा FMCG सेक्टर भी है, बहुत सारे सेक्टर में है ITC, एक तरह से ये सारे सेक्टर में घुस के अपना होल्डिंग करके चला रहे हैं, लेकिन मेजर पोर्शन सिगरेट का था। अब दिक्कत क्या हुई है, अगर मैं बात करता हूँ जो कंपनी का मार्केट कैप है, 2019 में जो मार्केट कैप था और 2020 का मार्केट कैप कंपेयर करा जाए, तो सीधे 50% का मार्केट कैप ड्रॉप होते हुए देखने को मिला था 19 से 2020 के बीच में। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फॉल जो आया, उस वक्त अगर हमने ध्यान से देखा होता, समझा होता, उसका मेन रीज़न यही था कि सिगरेट की जो सेल थी इनकी डिक्रीज हुई थी, और उसकी वजह से ही यहाँ पर हिट हुआ इनका पूरा ओवरऑल बिजनेस, और ITC का शेयर फिर नीचे गया। अब ये समझने वाली बात ये है, अगर मैं बात करूँ 2001 से जब से ITC शेयर इनलिस्ट हुआ है और करंट 2019 तक उसके प्रायर की अगर मैं बात करता हूँ, तो जो यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला है, अगर आप ग्रोथ अगर कंपेयर करते हैं, निकालते हैं एनुअल जो कंपाउंडेड ग्रोथ आएगी, वो निकल के 17% तक का प्रॉफिट दिया है इसने पर ईयर। अब आप भी समझ रहे हैं, अगर मैं बात करूँ बीच बीच में कभी कभार कोई भी शेयर ऊपर नीचे हो सकते हैं, न्यूज़ की वजह से भी, सेंटीमेंट्स की भी वजह से, लोगों की बड़े ऑपरेटर्स की चाल की वजह से भी हो सकते हैं, बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ईयर के बेसिस पे लॉन्ग टर्म में वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, हर ईयर उसका लगभग 17% यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली। तो आपको भी समझने की ज़रूरत है कि कितना बेहतरीन शेयर ये माना जा सकता है। और अभी जो प्राइस डिक्रीज हो रही है, उसके पीछे का रीज़न मेनली सिगरेट सेक्टर है यहाँ पर, क्योंकि अभी सेल कम हो रही है, तो यहाँ पर उसका मेन रीज़न ये भी है कि सिगरेट का भी व्यापार की अगर मैं बात करूँ, तो लीगल वे में भी होता है, इलीगल वे में भी होता है। सरकार क्या कर रही है, लीगल वे में जितने लोग भी हैं वहाँ पर टैक्स यहाँ पर हैवी हो रहा है, तो जो लोग सिगरेट स्मोक करते हैं वो दूसरे ब्रांड पे चले जाते हैं, छोटे ब्रांड पे चले जाते हैं उनका पैसा, ताकि कम लगे, और यही रीज़न है जिसकी वजह से सेल डिक्रीज हो रही है और इनको कहीं ना कहीं भारी नुकसान देखने को मिल रहा है।
बट आने वाले टाइम में अगर आईटीसी जैसे कंपनी की बात करें, जो विजन है, जो यहाँ पर इनकी कमांड जो लोग संभाल रहे हैं, काफी बढ़िया विजन लेके चलते हैं। और एफएमसीजी सेक्टर में अगर मैं बात करूँ, ये लोग काफी ज्यादा बुलिश हैं, आगे चल के एफएमसीजी सेक्टर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, ताकि जो ये आगे फ्यूचर की मैं बात करूँ, जो ये चीज उठा पटक देखने को मिलती है सिगरेट की वजह से, क्योंकि मेजर पोर्शन इनका रेवेन्यू का जो है वो सिगरेट इंडस्ट्री पे डिपेंड है। अगर सिगरेट इंडस्ट्री को कुछ भी होता है तो इनका पूरा पूरा बिजनेस इंपैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए ये डाइवर्सिफिकेशन और ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में अगर सिगरेट इंडस्ट्री में इनका रेवेन्यू कम भी हो तो इतना ज्यादा शेयर में डिफरेंस ना देखने को मिले। या इनके अगर मैं बात करूँ ओवरऑल बिजनेस रिजल्ट की, मैं बात करूँ फाइनेंशियल रिजल्ट, उसमें डिफरेंस ना देखने को मिले। तो अगर आप होल्ड करके रखे हुए हैं और अच्छे टाइम पे आपने खरीदा था, या मान लीजिए आपने ज्यादा प्राइस पे खरीदा था, तो फालतू की न्यूज में या रूमर्स में आके आपको पैनिक नहीं होना चाहिए। अभी भी मैं यही आपसे बोलूंगा, होल्ड करके रखिए। और जिन लोग पोजीशन बनाना चाहते हैं उनके लिए ये अभी अच्छा टाइम है, देख सकते हैं आप लगातार गिर रहा है, आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना चालू कर सकते हैं। बाकी इसके इंपॉर्टेंट लेवल जैसे थोड़ा और अभी हमें ये गिरता हुआ देखने को मिलेगा, उसको लेके हम अपडेट करेंगे, तो उसके लिए आप जुड़े रहिएगा ताकि आपको वो अपडेट मिले। और उस वक्त आप लोग अपनी यहाँ पर पोजीशन बनाइएगा और एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाइएगा। लॉन्ग टर्म इन द सेंस ईयर वाइज, अब वो 2 ईयर हो, 3 ईयर हो, 4 ईयर हो, 5 ईयर हो, वो आपके डिसीजन रहेगा, आपको किस हिसाब से अपनी ग्रोथ चाहिए।